नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में लगातार कोरोना वायरस का विस्तार हो रहा है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास भी सेफ नहीं है क्योंकि उनकी भतीजी वहां से कोरोना पॉजिटिव निकली और एक अखबार के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से जुड़े 60 और लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इस तरह से बिहार में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का विस्तार हो रहा है। लगातार हाई प्रोफाइल लोग भी अब कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। हम सिर्फ राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो पटना में 1400 के करीब मरीजों की संख्या पहुँच चुकी है। मेयर के बेटे पार्षद, एक पार्षद के पति और उनके बेटे भी पॉजिटिव निकले हैं। इसके साथ ही साथ अब जो है सख्ती बढ़ाने पर भी कदम उठाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी वाहनों पर प्रतिबंध अब संभव होगा। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सभी जिला के डीएम को उनके इलाके में ज़रूरत के हिसाब से सख्ती बरतने या प्रतिबंध बढ़ाने की खुली छूट दे दी है। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब जिलाधिकारी कंटेनमेंट जोन के बाहर भी बड़े क्षेत्र को बफर जोन बना सकते हैं, वहां सभी वाहनों का परिचालन प्रतिबंध किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 3 दिन में 2000 बेड बढ़ाने की बात भी सामने आई है। डीएम कुमार रवि ने 320 बेड वाले रेलवे के 2 कोच को आइसोलेशन सेंटर के रूप में संचालित करने का निर्देश दिया है। वहीं पटना सिटी, बिहटा, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज में पहले से संचालित होने वाले आइसोलेशन सेंटर में 3 दिनों के अंदर 600 बेड की क्षमता बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। 3 दिनों में 2000 बेड बढ़ाने का निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि पटना के कुछ इलाके हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और वहां पर सबसे ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है, जिसमें कि कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, कदम कुआं, शास्त्री नगर, शेखपुरा, सदाकत आश्रम, बेऊर, अनिशाबाद, राजीव नगर, हथुआ मार्केट, बोरिंग रोड चौराहा, रामकृष्ण नगर, गांधी मैदान से मरीज मिल रहे हैं और पटना की ये हालत है जो लगातार बिगड़ती जा रही है। बेली रोड में पेड कोविड सेंटर खोला जाएगा, इस पर भी बात सामने आ रही है। बिना लक्षण अब जांच नहीं करा सकेंगे। तो कुल मिलाकर के ये बहुत भयावह स्थिति होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से जुड़े 60 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो क्या सवाल ये उठता है कि अब सीएम आवास भी सुरक्षित नहीं है? तो ये है बिहार के राजधानी पटना के हालात। पटना में जो अनलॉक 2 चल रहा है उसके हिसाब से लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं जो नियम लगाए गए हैं। मास्क लगाने को लेकर के कड़े नियम लगाए गए हैं लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं सड़कों पर। इसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी पूरी तरह से देखने को नहीं मिल रहा है। शायद यही वजह है कि कोरोना वायरस इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। बिहार में गतिविधियाँ तेज़ हैं, सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं और अब जो है कि इसको लेकर के कड़े नियम लगाए जा सकते हैं। तो हर जिला अधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप भी सतर्क रहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।